जी जी नोमान भाई, बात वाजे है जी आपके लिए? जजाकल्लाह खैर शेख। दूसरा जी सवाल है बिल्कुल, कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग हनफी स्टाइल से मतलब जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, तो वो सलाम फेरते वक्त वो दो तरफ सलाम फेरते हैं, तो इमाम की इत्तिबा की जाए कि दो तरफ सलाम फेरना चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक एक तरफ सलाम फेरना चाहिए? तो जी सर, देखिए जनाजे की नमाज में सलाम फेरने के दोनों तरीके साबित हैं। एक जानिब सलाम फेरना भी साबित है, दोनों जानिब सलाम फेरना भी साबित है। लिहाजा आपका ये कहना कि सुन्नत के मुताबिक एक जानिब फेरा जाए, सुन्नत दोनों है। और ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जनाजे के मसले में दो तरीके हैं, इबादतों में ऐसे कई सारी इबादतें हैं जिसमें एक से ज्यादा तरीका हमारे नबी ने हमको बताया है, और हमें अख्तियार है कि आप चाहो तो इस पे अमल करो, आप चाहो तो इस पे अमल करो। और ऐसी सुन्नतें जो जिनमें एक से ज्यादा तरीके बताए गए हैं, उनमें बेहतर यह है कि दोनों पर अमल किया जाए, कभी उस पर अमल किया जाए कभी उस पर अमल किया जाए, ताकि कोई भी सुन्नत ऐसा ना हो कि मतरूक और महजूर हो जाए। लेकिन जी जहां पर लोगों को उस दूसरी सुन्नत का इल्म नहीं है और आपके अचानक अमल करने से कोई फितना खड़ा होने वाला है, तो वहां पर आप उस दूसरी वाले पर अमल मत कीजिए, आप उस सुन्नत पर अमल कीजिए जो लोगों को जिसके बारे में पता है। और इस जी दौरान आप लोगों को उस दूसरी सुन्नत के बारे में बताइए, जब उनके पास इल्म हो जाए तब आप उस दूसरी पर भी अमल कीजिए। लिहाजा यानी कि आप आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो सलाम फेरे, एक जानिब फेरे तो आप एक जानिब फेरे, वो दोनों जानिब फेर रहा है तो दोनों जानिब आप सलाम फेरे।